बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जी। मैं मोहम्मद असदयात और उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने और सुनने वाले तमाम अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर वाफियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज दिसंबर की 16 तारीख, वही सर्दी की शिद्दत और वही धुंध और वही मौसम जो आज से तकरीबन 7 साल पहले था, और वो 7 साल पहले का जो एक सानहा था, दिल दहला देने वाला जो एक वाक़या था, सानहा पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल, यकीनन वो आज भी वैसे ही हमारे दिलों में वो दर्द की शिद्दत वैसे ही बरकरार है जैसे 7 साल पहले थी। तो आज 7 साल, 7वीं बरसी है शहदा पेशावर की। तो नाज़रीन, आज 7 साल बीतने के बाद अभी तक वो जो दर्द है वो पाकिस्तानी कौम के जो दिलों में है वो बाकी है। नाज़रीन, ये दर्द ता क़यामत बाकी रहना है, क्योंकि जो जुल्म हमारे भाइयों पर वहाँ पर किए गए, और छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे जिनको दहशतगर्दों ने इतने बेदर्दी से शहीद किया, ये वो दर्द है हर उस माँ के दिल में, हर उस भाई के दिल में, हर उस बहन के दिल में, हर उस वालिद के दिल में, और हर उस पाकिस्तानी के दिल में जो सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के जितने भी शहीद हैं उनके लिए जो हमारे दिल धड़कते हैं वो आज भी वैसे ही ज़ख्म ताज़ा है। तो नाज़रीन, जिस तरह 7 साल पहले दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया, और वो तस्वीर अगर आज भी हम देखें तो वो वैसे ही हमारे दिल में वो दर्द पैदा करती हैं जैसे कि आज से 7 साल पहले था। और अगर मैं मुकम्मल दास्तान यहाँ पर बयां करना चाहूँ तो शायद आप मुझे रोता हुए देखेंगे और मैं कुछ शायद बोल ना पाऊँ, क्योंकि जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया यकीनन वो यहाँ पर शायद बयान करने में मुश्किल पेश आए मुझे। कि प्रिंसिपल साहिबा और असातिज़ा कराम जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, और ये वो वाक़या था जो कि दहशतगर्दों की हार का सबूत देता है। दहशतगर्दों के इंसान, अगर ये इंसान भी कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि जिस बेदर्दी के साथ बच्चों को शहीद किया यकीनन ये किसी इंसान का काम नहीं है, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यकीनन आप उस माँ से जाके पूछें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को गवाया, उस भाई से पूछें जो कभी अपने एक भाई के साथ स्कूल जाता था लेकिन आज वो अकेला सफ़र कर रहा है। आप जाकर उस बहन से पूछिए जो आपस में प्यार मोहब्बत के साथ खेलते होंगे, खाते होंगे साथ, और वो आज बहन अकेली है। आप जाकर उस वाली से पूछे कि जिस बच्चे ने बड़े होकर उस बाप का सहारा बनना था, आज वो 7 साल हो गए उसको शहीद हुए। ये दुख और ये दर्द भरी दास्तान आज भी वैसे ही हमारे दिलों में ज़िंदा है। सानहा पेशावर के जितने भी शहदा हैं उनके लिए मगफरत की, दर्जात बुलंदी की दुआएं करें। और आज का दिन यकीनन इस कौम के लिए स्याह दिन है, इस कौम के लिए बड़ा ही यूँ कह लें कि गम का दिन है। तो इस दिन में आप शहदा आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए मगफरत की दुआएं करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और इस कौम के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला उन बच्चों के सदक़े से इस कौम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाए, और इस कौम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कामयाबी कामरानी अता फरमाए। तो सलाम है उन माओं को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस वालिद को जिन्होंने अपने लखते जिगर को खोकर इस वतन अजीज़ के लिए कुर्बान कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, इसी दुआ के साथ आखिर में इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला शहदा आर्मी पब्लिक स्कूल के दर्जात बुलंद फरमाए, और इस वतन के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी उस कुर्बानी को कबूल फरमाए, और इस वतन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।